मिगुएल डायज़-कैनेल ने क्यूबा के नए राष्ट्रपति का नाम दिया। देश की नेशनल असेंबली में एक गुप्त वोट के एक दिन बाद मिगुएल डियाज़-कैनेल को आधिकारिक तौर पर क्यूबा के नए नेता के रूप में नामित किया गया था। लगभग 6 दशकों में यह पहली बार है कि क्यूबा का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसे कास्त्रो नाम नहीं दिया गया है। 57 वर्षीय डियाज़-कैनेल को 603-1 के वोट से चुना गया था, जो राउल कास्त्रो को 86 के स्थान पर बदलने के लिए अप्रत्याशित उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। कास्त्रो ने डियाज़-कैनेल को गले लगा लिया, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ था जब फिदेल कास्त्रो ने 1959 में अपनी क्रांति का नेतृत्व किया था। बुधवार का सत्र सभी लेकिन द्वीप के अगले राष्ट्रपति के रूप में अपनी स्थिति को सील कर रहे हैं। डियाज़-कैनेल राज्य की क्यूबा परिषद और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष बने। राज्य परिषद के अन्य सदस्यों को भी गुरुवार नामित किया गया था। मंत्रिपरिषद के मेकअप का निर्णय अगले राष्ट्रीय असेंबली में किया जाएगा, डियाज़-कैनेल ने कहा। इस साल बाद में सबसे अधिक संभावना है। अपने नए खिताब के बावजूद डियाज़-कैनेल ने लगातार नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया कि राउल कास्त्रो देश के लिए खेलेंगे। दीवाकैनल ने गुरुवार को हवाना में क्यूबा नेशनल असेंबली को दिए एक भाषण में कहा, क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव के रूप में राउल कास्त्रो इस देश के वर्तमान और भविष्य के लिए सबसे बड़ा उत्थान के फैसले का नेतृत्व करेंगे। कास्त्रो अभी भी नेशनल असेंबली के सदस्य होंगे और यहाँ तक कि यदि वह अब राष्ट्रपति नहीं है तो द्वीप पर सबसे शक्तिशाली सार्वजनिक आंकड़ा बनी हुई है। फिर भी कास्त्रो ने स्पष्ट किया कि 2021 में पोस्ट के रूप में पद छोड़ने पर कास्त्रो ने स्पष्ट रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में उन्हें सफल कर दिया था। कास्त्रो ने कहा, वह पहले सचिव के रूप में रहेगा। सड़क को खोलने के लिए अन्य शीर्ष अधिकारियों के बीच सत्ता को विभाजित करने के बजाय कास्त्रो ने कहा कि अंततः राज्य के नियंत्रण को डियाज़-कैनेल में समेकित किया जाएगा, क्योंकि यह कम से कम थोड़ी देर के लिए कास्त्रो में था। कास्त्रो ने कहा कि क्यूबा के राष्ट्रपति 2 साल के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए। एक ऐसे देश में एक उपन्यास विचार जहां उनके भाई फिदेल ने 50 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन डियाज़-कैनेल का कास्त्रो का बजाना समर्थन स्पष्ट संकेत था कि क्रांति से लड़ने वाली पुरानी पीढ़ी के सदस्य आर्थिक संकट और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तेजी से चट्टानी रिश्ते के माध्यम से सरकार को चलाने के लिए बैंकिंग कर रहे हैं। संक्रमण क्रांतिकारियों से क्यूबा में एक मशाल से गुजरने का प्रतीक है, जिन्होंने नौकरशाहों की युवा पीढ़ी को बंदूक के बिंदु पर सत्ता संभाली, जिसे कभी ही कास्त्रो की समाजवादी परियोजना के बारे में पता चला है। यद्यपि उन्होंने इंटरनेट पर अधिक खुलने की वकालत की है और क्यूबा समाज के भीतर विभिन्न गुटों के लिए सर्वसम्मति लेने की मांग की जाती है, फिर भी डियाज़-कैनेल ने गुरुवार को अपनी टिप्पणी में कट्टरपंथी क्रांतिकारियों के प्रतिद्वंद्वियों को प्रतिबिंबित किया। डियाज़-कैनेल ने कहा, कोई भी क्रांति को कमजोर नहीं करेगा या क्यूबा लोगों को पराजित नहीं करेगा। क्यूबा अपनी संप्रभुता या आजादी के खिलाफ रियायतें नहीं देता है। प्रशिक्षण द्वारा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फिदेल कास्त्रो ने सत्ता संभालने के 1 साल बाद डियाज़-कैनेल का जन्म हुआ था। लंबा और भूरा बालों वाला वह नर्म मोनोटोन में बोलता है और सार्वजनिक उपस्थिति में लिपी से शायद ही कभी दूर रहता है, लेकिन जब उनकी पीढ़ी के और अधिक गतिशील सदस्य थे जो साल पहले शीर्ष नौकरी में बेहतर ताला लगा रहे थे, डियाज़-कैनेल ने चुपचाप प्रांतों के लिए शीर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी के रूप में सेवा करते हुए अपने लिए एक कुशल प्रशासक के रूप में एक नाम बनाया। विला क्लारा और फिर होलगुविन, जहां फिदेल और राउल कास्त्रो का जन्म हुआ था। डियाज़-कैनेल को टेस्ट में रखा जाएगा क्योंकि वह क्यूबा की ध्वज अर्थव्यवस्था को सही करने की कोशिश
करता है और वाशिंगटन में तेजी से आक्रामक प्रशासन को रोकता है। गुरुवार को अपने 90 मिनट भाषण के दौरान राहुल कास्त्रो ने हाल ही में तनाव का उल्लेख किया। पेरू में अमेरिका के शिखर सम्मेलन के दौरान क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज पेराफ्ला ने एक भाषण से बाहर निकलने के लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस की आलोचना की। वह इसे नहीं ले जा सका और छोड़ दिया, कास्त्रो ने मजाक किया। पेंस ने ट्विटर पर कास्त्रो में वापस निकाल दिया, हे राहुल, ऐसा लगता है कि आप एक छोड़ रहे हैं। पेंस के आधिकारिक खाते पर एक ट्वीट पढ़ें, हम यहां क्यूबा के लोगों के साथ खड़े हैं और हम क्यूबा के निःशुल्क और निष्पक्ष चुनाव तक कहीं भी नहीं जा रहे हैं। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाता है और क्यूबा के लोग अंत में निःशुल्क हैं।